नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने आलू और बैंगन की बहुत ही टेस्टी झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली सब्जी की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अगर सुबह जल्दबाजी में झटपट बनाना हो लंच में तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आने के बाद लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पतले और कुछ इस तरह से बैंगन लिए हैं 250 ग्राम, और उसको अच्छे से वॉश करके मैंने कट करके ले लिया है। तो आप इसकी जगह पे गोल बैंगन या वाइट ग्रीन वाला बैंगन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको कट करके पानी में पहले से अच्छे से रख कर ले लिया है। तो पहले इसको धुल लीजिए और उसके बाद इसको पानी में कट करके रखिए ताकि ये काले ना पड़े। तो ये 250 ग्राम बैंगन है, और 3 मीडियम साइज़ के आलू को भी मैंने सेम साइज़ में अच्छे से धुल कर छिल कर कट करके रखा है पानी में, ताकि ये काले ना पड़े दोनों चीज़ें। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो आज की सब्जी प्रेशर कुकर में बनने वाली है, तो कुकर चढ़ाएंगे और उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो इस सब्जी को आप सरसों के तेल में बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से भून जाए तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा साइज का प्याज था उसको बारीक चॉप करके लिया है, और थोड़ी सी कलियाँ लहसुन की और अदरक की है इन्हें भी चॉप कर लिया है। प्याज को ऐड कर देंगे और प्याज का हमें अच्छे से स्लो फ्लेम पर भूनते हुए कलर चेंज होने तक पकाना है। इसको हमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनते जाइए। जब अच्छे से प्याज का कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम अदरक और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसे ऐसे ही मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक या तब तक भूनिए जब तक प्याज का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। तो थोड़ा सा हमारा प्याज यहाँ पे भून चुका है, तो इसी के साथ साथ इसमें हम अदरक और लहसुन भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रेश अदरक और लहसुन को यूज़ कर रही हूँ चॉप करके। आप चाहें तो उसे ग्रेट करके या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर ऐसे फ्रेश ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही फ्रेश फ्लेवर बहुत ही अच्छा सब्ज़ी में टेस्ट देता है। अच्छे से कर देते हैं मिक्स, और इसे हम अच्छे से प्याज लहसुन अदरक को कच्चापन दूर होने तक या फिर इसका कलर बिल्कुल चेंज होने तक भून लेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए स्लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच के आसपास हींग ऐड कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो बैंगन होता है वो सूट नहीं होता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। देखिए, अच्छे से कर देते हैं हम मिक्स, और लगातार चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। सारे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, स्लो फ्लेम पे मत कीजिएगा। झटपट से सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, और यकीन मानिए खाने में बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह की भाग दौड़ में आप झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार कर सकते हैं, और कोई मेहमान आ जाए, कोई भी सब्जी ना हो, तो इस तरह से आलू बैंगन की चटपटी सब्जी बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप किया है। इस सब्जी में टमाटर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और टमाटर डाला है तो झटपट से इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा टमाटर है झटपट से गलना स्टार्ट कर दे। तो टमाटर के साथ इसमें हमें सारे मसाले भी इसी स्टेज पे ऐड करना है, क्योंकि हमने झटपट से सब्जी को बनाना है। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पे मैंने लगभग 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और इसी के साथ मसाले भी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ साथ जाएगा 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल लिया है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का। और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। सभी चीज़ों को डालकर कर देंगे अच्छे से मिक्स, और मीडियम टू हाई हीट पर ही हमें जो टमाटर को अच्छा मैशी होने तक पकाना है। इसको ऐसे कलछी से मैश करते हुए पका लीजिए तब तक हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, मशी ना हो जाए। तो इसे ऐसे ही चलाते रहिए। ध्यान रखिए मसाला हमारा जो टमाटर है नीचे से जले ना। और यहाँ पे देखिए टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने आलू और बैंगन को रखा था। बहुत ही झटपट से हमारी ये बैंगन आलू की सब्जी तैयार हो जाएगी, और टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता दोस्तों, यकीन मानिए। तो बैंगन सूप को पानी में से निकाल कर ऐड करेंगे, और इसी के साथ साथ इसमें हम आलू भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बैंगन लिया था। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो बिना आलू के भी इस सब्जी को बना सकते हैं। कुछ लोगों को आलू पसंद नहीं है तो इस तरह से बैंगन के साथ भी बना सकते हैं। मसालों को अच्छे से और आलू के साथ कोट करना है। तो देखिए मैंने आलू भी ऐड कर दिया है, और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक करेंगे जब मसाला
आलू और बैंगन में अच्छे से लुपटना जाए। तो ये सब सारा प्रोसेस हमें हाई टू मीडियम ही आंच पर करना है और एक कुछ ही समय में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से जो मसाला है हमारे आलू और बैंगन में लिपट चुका है। और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम, आप चाहें तो अगर आप सूखा बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर इसमें आप प्रेशर कुकर लगा दीजिए। मैं थोड़ी सी लुटपुटी बना रही हूँ तो बस इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। और देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने मसालों के साथ आलू और बैंगन को भून लिया है, तो अब इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 कप पानी और ढक्कन लगाकर हाई टू मीडियम आंच पर इसे हम 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही सूखी सब्जी बनाना हो तो बना लीजिए, पानी बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा। और ढक्कन लगाकर फिर इसे हम 2 से 3 सीटी आने देंगे। गैस का फ्लेम रखिएगा मीडियम टू हाइट और अच्छे से इसको हमें कुक करने के बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब फिर खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 3 सीटी आने के बाद जब अच्छे से ठंडा हो गया तो यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों हमारी सब्जी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने कुकर खोला है। अब हमें वापस से गैस ऑन करके इसे हमें थोड़ा सा जो पानी है इसको जलाना है। थोड़ी सी पतली लग रही है लेकिन ये ठंडी होने के बाद ड्राई होने लगती है, तो इसे थोड़ा सा गैस ऑन करके ऐसे खुले में इसको पकाएंगे तो जो सब्जी में सौंधापन आता है। तो चलिए गैस ऑन कर देते हैं, ऐसे 2 मिनट के लिए हम खुले में और पका लेंगे। तो अगर आपको आज की ये आलू बैंगन की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और अगर आपके पास हरी धनिया हो तो फ्रेश उसको चॉप करके ऐड कर दीजिए, उससे सब्ज़ी का खुशबू और टेस्ट दोनों भी बहुत ही बढ़ जाता है। आज मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया है। और हम यहाँ पे देखिए हमारी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। ये जैसे जैसे थोड़ी सी ठंडी होती है गाढ़ी होती जाती है तो गैस को ऑफ करेंगे, इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए हमारी बैंगन आलू की चटपटी सी सब्जी सिर्फ 5 मिनट पर बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठे प्लेन राइस या दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। यकीन मानिए बिना मेहनत के बिना झंझट के सिर्फ 5 मिनट में सब्जी बनकर कुकर में तैयार हो जाती है और आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इसी तरह की नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक दिखाइए हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।